बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत करनी है हमने इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो था ठीक है पहले भी, लेकिन अब चूंकि टॉपिक हो गए हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस, यानी कि चैप्टर नंबर 13-14 से काफ़ी सारे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, 11 से काफ़ी सारे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो अब जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यानी कि शॉर्ट में भी इसका पार्ट आएगा और लॉन्ग में भी आएगा, और उसके न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स वहाँ पर रिड्यूस हो चुके हैं। अब इनके जो टॉपिक रिड्यूस है पहले हम वो कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, एक और बात कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कि रिड्यूस हुए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट है इन द फिजिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर ठीक है। हमने ये करना है कि पहले हमने रिड्यूस सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, एंड देन हमने जो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको भी हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। जून के एंड में आपके पेपर होने हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है ठीक है, और इंशाल्लाह मैथ को भी शुरू करना है। अच्छा, हमारे पास पहला सवाल है डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। साइंस हम सब ने पढ़ी है और मेरे ख्याल में 6 और 7 क्लास में बता दिया जाता है कि ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से बआसानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके वो कहलाता है हमारे पास कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट आसानी से पास ना हो सके वो हमारे पास कहलाता है इंसुलेटर। ये तो वही सिंपल सी बात। दूसरा सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सबसे पहली बात एक बात को ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मैग्नेट है, हमारे पास एक अदर मैग्नेट है ठीक है, और उसकी एक रेंज है। रेंज से मुराद ये मैग्नेट हमारे पास है, और अगर मैं यहां पर कोई भी स्टील की चीज लेकर आऊंगा तो ये इसको खींच लेगा, यहां पर लेकर आऊंगा तब भी खींच लेगा, लेकिन जब यहां पर रखूंगा तो ये नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसकी रेंज से बाहर है। तो उस चीज की जो रेंज होती है, मैग्नेट की जो भी रेंज है या इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस उसकी जो भी रेंज है वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो दायरा जिसके अंदर कोई भी चीज आ जाए तो वो उसको कैच कर ले। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। मैंने मैग्नेट की मिसाल रख के समझाया है ताकि चीज सही से समझ में आ जाए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का काम हो रहा हो और वो एक दायरा हो, उस दायरे को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये काम किस तरह करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम आपको बताएंगे। इंटेंसिटी का मतलब इसकी ताकत, इसका काम करने का अंदाज ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है कि ना। अब हम इसकी थोड़ी सी और डेफिनेशंस को देखते हैं। अच्छा जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि उसकी पावर क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेना बेहतर है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आ सकता है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू, यानी कि फोर्स पर चार्ज, और इसकी जो यूनिट होती है एम और पर सी ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबको पता है यार, सिंपल सी बात होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक टाइम में या एक सेकंड में कितना चार्ज किसी भी कंडक्टर में से गुजर रहा है वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पेयर, यानी कि कैपिटल ए ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश ये करनी कि अभी थ्योरी सारी हो जाए चैप्टर नंबर 16 की। कोशिश करते हैं, 3 या 4 टॉपिक्स मजीद रह गए, उसको करते हैं। ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रह गए, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर का ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, एंड देन हमने न्यूमेरिकल्स करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस। ये 2 छोटे टॉपिक हैं, इसके बाद हमने करना है कूलम्स लॉ एंड देन ओम्स लॉ ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन यहाँ पर 2 लाइनों में बताया गया, तो बस इसको सिर्फ समझ के याद कर लो, वरना ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट, वो एनर्जी वो ताकत जो चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर घुमा सके वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना। बहुत तेज गाड़ी आ रही है, उसको रोकने के लिए हमने स्पीड ब्रेकर लगाए हुए होते हैं ठीक है, उनकी स्पीड को किल करने के लिए। इसी तरह दो सब्सटेंसेस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो सब्सटेंस जो कि करंट की स्पीड को रोक सके वो हमारे पास कहलाते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम्स, और जिसको हम इस साइन से बनाते हैं ठीक है। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अब हमने करना है कूलम्स लॉ और हमने करना है ओम्स लॉ ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको जरा देख लीजिएगा। अच्छा भाई, बड़ा आसान सा टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ का ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 का
कि चैप्टर नंबर 16 में टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 5 न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के जरिए होंगे, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। 5 न्यूमेरिकल, अजीब सा आर बन गया, 5 न्यूमेरिकल हमारे पास इस फॉर्मूले से होंगे, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, कह क्या रहे हैं इसमें? अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टेज को कहते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, बस ओम्स लॉ में आपको ये बात बताई गई है, अगर पढ़ो तो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के जो कि उसमें से पास हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ओम द मैथमेटिकल में क्या लिखोगे भाई, स्टेटमेंट वाली वर्डिंग्स को मैथमेटिकल में लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फॉर करंट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हटेगा एक अदद आर आ जाएगा और ये आर हमारे पास कहलाएगा ओम्स कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से 5 न्यूमेरिकल होंगे, तो समझ लेना कि ये चीज आई कहां से। हियर R इज ओम्स कांस्टेंट, R हमारे पास ओम्स कांस्टेंट है। कभी कभार ये सवाल आ जाता है 4 नंबर का आपके पास शॉर्ट में, ठीक है, लॉन्ग में तो नहीं आएगा लेकिन शॉर्ट में आएगा। लेकिन फॉर्मूले की अहमियत क्यों है, क्योंकि इससे आपके पास चैप्टर नंबर 16 के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, 16.2 से लेकर 16.6 तक। ठीक है, अब देखते हैं कूलम्स लॉ क्या है। अच्छा जी, हमारे पास आप ये एक आखिरी सवाल है, सॉरी बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ में हमें ये कहा जा रहा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। याद रखो, अनलाइक चार्जेस यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। ठीक है, ये जो चीज है ये हो रही है खास फोर्स के जरिए, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि वो जो दोनों चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अच्छा कंबाइन जब करोगे दोनों इक्वेशंस को तो एफ दो बार है तो एक बार आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है, इज इक्वल टू आ जाएगा, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर है के, Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा और R स्क्वायर चूंकि नीचे था इसलिए ये नीचे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखोगे और वो क्या चीज होगी, वो होगी कि K इज कूलम्स कांस्टेंट एंड इज वैल्यू इज 9 × 10⁻¹⁹ एन एम स्क्वायर पर C2। ये वैल्यू लिखना जरूरी है, अगर वैल्यू नहीं लिखोगे तो मे बी पॉसिबल कि अगर 4 नंबर का सवाल आता तो तुम्हारे पास तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे अगर वैल्यू नहीं होगी, और ये वैल्यू याद भी रखो बिकॉज ऑफ MCQs। ठीक है, अब हमारे पास वाहिद लास्ट टॉपिक है और वो है हमारे पास कैपेसिटर का। अच्छा जी, कैपेसिटर क्या होता है, अब जरा कैपेसिटर को समझ लो। कैपेसिटर वो है, वो प्लेट्स हैं जिनके अंदर एनर्जी जो है वो के स्टोर हो रही होती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास कौन सी है, यूपीएस की है। ठीक है, यूपीएस के अंदर जो प्लेट्स लगी हुई होती हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है जब आपके पास लाइट होता है और यूपीएस चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही लाइट जाती है यूपीएस आपके घर के उन उन कमरों को जहाँ जहाँ पर उसका कनेक्शन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर देता है। कहाँ से करता है, उन प्लेट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो प्रोवाइड करना शुरू करता है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, एक प्लेट ए है प्लेट बी है और उनके ऊपर चार्जेस को हमने स्टोर किया हुआ। बेसिकली हमने यहाँ पे दो प्लेट्स दिखाई हैं, यूपीएस के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, वो जिस आप कैपेसिटी का लोगे उसके अंदर पर उतनी प्लेट्स होंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा है, अ सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग, जो सिंपल कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट से बनता है सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी कम है, तो हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने से कैसे बचाएं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इनके दरमियान को ऐसा इंसुलेटर होता है जैसे कि एयर, वैक्स एंड मिका, सबसे ज्यादा जो चलता है वो हमारे पास चलता है मोम। ठीक है, मोम एक ऐसा इंसुलेटर है जो इन दोनों प्लेट्स के चार्जेस को आपस में मिक्सअप नहीं करता। ये इसकी डायग्राम है, डायग्राम भी तुमने बनानी होगी अगर कैपेसिटी का सवाल आ जाए, और तुमने कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा। इसके बाद दो हेडिंग अभी और है, नंबर सॉरी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, ये लास्ट टू हेडिंग्स हमारे पास चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी की,
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, उसकी ताकत क्या होती है, द चार्ज स्टोर बाय अ कैपेसिटर, जो भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटेगा कैपिटल C लगेगा, और ये कैपिटल C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फैक्टर्स कौन से होते हैं, दो फैक्टर्स हैं, प्लेट का जो प्लेट लगी हुई इनके ऊपर चार्जेस स्टोर हो रही है उसका एरिया कितना है और उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट थ्योरी है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी में और कुछ नहीं है क्योंकि टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। अगर टॉपिक्स रिड्यूस नहीं होता तो फिर सीरीज सर्किट भी होता और पैरेलल सर्किट भी होता, ठीक है। टॉपिक चूंकि रिड्यूस हो गए तो हमने मजीद टॉपिक नहीं करने फिलहाल, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन हमने करना है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आना बाकी है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं ताकि चैप्टर नंबर 16 की कहानी निमट जाए। उसके बाद 3 या 4 वीडियोस मजीद बनेंगी जिसमें हमारी फिजिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी एंड देन हमने उसके बाद कराना है मैट्रिक क्लास की, ठीक है। और MCQs आपके रेडी हैं इंशाल्लाह, वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे चूंकि पेपर में अभी टाइम है, जून के एंड में मैट्रिक क्लास के पेपर शुरू होने हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके बीच में बहुत सारे काम करेंगे, लाइव सेशंस भी ले लेंगे और एक दो और अपने इंपॉर्टेंट काम निकालेंगे, ठीक है। इसको देखो समझो और फिर कोई मसला हो तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।